हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। और आज हम एनवायरनमेंट का टॉपिक लेके आए हैं, ठीक है। ताकि इससे पहले मैं मेडिवल हिस्ट्री का एक सेशन लेके आ चुका हूँ, देन आफ्टर पॉलिटी से मैंने एक सेशन लेके आया था, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पर, ठीक है। आज जो है एनवायरनमेंट का टॉपिक है, और आज का जो टॉपिक है, ठीक है, एनवायरनमेंट्स में जैसे नेशनल पार्क या कुछ एक्ट वगैरह, ठीक है, कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन का सीरीज है। आई होप कभी भी आपको, कभी भी आप फ्री हो तो कभी भी इसे देख सकते हो, ठीक है। आपके प्रिपरेशन में ये कहीं ना कहीं ज़रूर बूस्टअप करेगा, ठीक है, और आपके प्रिपरेशन को और इम्प्रूव करेगा, आपके रिवीजन को और इम्प्रूव करेगा। आई होप इसी डेडिकेशन के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और हाँ, दिस टेस्ट सीरीज इज ओनली इन इंग्लिश अवेलेबल इन द यूट्यूब, ओके। नो एनी टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू बी रन इन यूट्यूब इन इंग्लिश, ठीक है। सभी के सभी टेस्ट सीरीज हिंदी में चल रहे हैं, ठीक है। तो मेरी ये कोशिश है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू हिंदी, सॉरी इंग्लिश मीडियम, ठीक है। तो इस प्रकार दे विल बी बेनिफिटेड, श्योर इट्स माई कंसेंट डैट उनके प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच ऑफ द फ्लोविंग आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सीटू कंजर्वेशंस, ठीक है। तो मेनली जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो मेथड होता है वो मेनली दो टाइप का होता है, इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो एक्सीटू कंजर्वेशन बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जो गिवन एग्जाम्पल है, इसे सेक्रेट ग्रुप्स, जू, बॉटनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, ठीक है। एंड फिफ्थ वन इज नन मोर देन वन, बिकॉज बीपीएससी का ये है, 5 ऑप्शन रहता ही है, ठीक है। तो कौन सा इसमें एक्सीटू कंजर्वेशन होता है, बिफोर टू सेलेक्ट अ करेक्ट आंसर, ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सीटू कंजर्वेशन होता क्या है मेनली। देखिए, कंजर्वेशन जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, फौना फ्लोरा वगैरह को, ठीक है, उनको कंजर्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक है इंसीटू मेथड और एक है हमारे पास एक्सीटू मेथड, ठीक है। तो जो नेशनल पार्क हो गए, ठीक है, नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ठीक है, उसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ठीक है, और फिर सैक्रेड ग्रुप्स, ठीक है, कम्युनिटी फॉरेस्ट, ये सभी क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन से, ठीक है। इनको क्या किया जाता है, इनको उनके हैबिटेट में ही कंजर्व किया जाता है, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है। लेकिन एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है कि उनको एक स्पेशल टाइप का एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ताकि उनका ब्रीड वैरायटी बना रहे, ठीक है, जो इंडेंजर्ड स्पेसीज है खासकर उनके लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो एक एक्सलेंट टाइप का, मतलब कंजर्वेशन इनको प्रोवाइड किया जाता है, स्पेसिफिकली इनको एक अलग रूप से, मतलब आर्टिफिशियली बनाया जाता है कि उनको वहाँ पर कंजर्व रखा जा सके, उनके ब्रीड को बचाया जा सके, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो एक्सीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल होगा वो कौन कौन होगा, तो सैक्रेड ग्रुप्स तो आपको पता ही है कि ये हमारा इन सीटू कंजर्वेशन से, ठीक है। जू यानी चिड़ियाघर, ठीक है, ये क्या है, तो ये हमारा एक्स सीटू कंजर्वेशन है, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही बोल चुका है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है उसमें क्या होता है कि हम लोग उसके एनिमल के नेचुरल हैबिटेट से उठाकर उसे एक स्पेशल टाइप का जो इकोसिस्टम हम खुद अपने डिजाइन से डेवलप करते हैं वहाँ पर उनको कंजर्व करके रखते हैं, ठीक है। तो जू जो है वो हम लोग खुद बनाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो ये जू हो गया हमारा क्या बोलते हैं, एक्सीटू कंजर्वेशन। इसके अलावा बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो बोटेनिकल गार्डन, हाँ, बोटेनिकल गार्डन भी क्या है कि एक टाइप का, मतलब आर्टिफिशियली गार्डन बनाया जाता है जिसमें क्या बोलते हैं, वेरियस टाइप ऑफ स्पेसिफिक क्या बोलते हैं, इंडेंजर्ड स्पेसीज को कंजर्व किया जाता है, ठीक है। नेशनल पार्क ये नहीं होगा, नेशनल पार्क हमारा जो है इन सीटू कंजर्वेशन से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एनिमल्स को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व किया जाता है। सेक्रेट ग्रुप्स भी नहीं होगा क्योंकि ये हमारा इन सीटू कंजर्वेशन से। तो हेयर, जू एंड बोटेनिकल गार्डन्स जो है ये हमारे क्या बोलते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन हो गए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज इन आसाम, यानी बोल रहा है कि जो गिवेन नेशनल पार्क है उसमें से आसाम में कौन कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है नोकरेक नेशनल पार्क, सेकेंड वन काजीरंगा नेशनल पार्क, थर्ड वन इज मॉलिंग नेशनल पार्क, फोर्थ वन इज औरंग नेशनल पार्क एंड द फिफ्थ वन इज नन मोर देन वन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो नोकरेक नेशनल पार्क है ये हमारा मेघालय में पड़ता है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये हमारा आसाम में आएगा। ठीक है, मॉलिंग नेशनल पार्क हमारा अरुणाचल प्रदेश में होगा और औरंग नेशनल पार्क जिसको राजीव गांधी औरंग भी पूरा नाम है इनका, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, ये हमारा आसाम में आएगा। तो औरंग काजीरंगा आसाम में है। इसके अलावा आसाम में और कौन कौन है, तो डिबू साइखोवा है, डिबू साइखोवा नेशनल पार्क है। ठीक है, मानस है नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क भी आसाम में ही है और हमारा अभी रिसेंट प्रीवियस ईयर जो नेशनल पार्क बना है वो है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ठीक है, टोटल 6 नेशनल पार्क है आसाम में जिसमें से 2 यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑप्शन ऐसा है जो नेशनल पार्क आसाम में है। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। ठीक है, मैंने काफ़ी स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन सेलेक्ट किया है क्योंकि मैंने खुद फेस, मुझे पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के और सारे रिसर्च करके मुझे पता है कि कौन क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है और ये बीपीएससी के पैटर्न पर ही हो, ऐसा डेडिकेशन के साथ इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऐसा क्वेश्चन सेट किया गया है। आइए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर। ठीक है, यानी ये जो था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये किस ईयर पास हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन है 1962, 1972, 1992, 2002। ठीक है, तो ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये हमारा 1972 को पास हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर इन इंडिया। मतलब आपको पता होगा कि बायोडाइवर्सिटी स्पॉट जो हैं पूरे वर्ल्ड में 35 हैं और उसमें से 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो हैं ये हमारे इंडिया में है। ठीक है, तो चारों का नाम तो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, ह्यूज मतलब स्पेसिस डाइवर्सिटी, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेसिस का डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। ठीक है, और ये काफ़ी बायोडाइवर्सिटी रिच रहते हैं। ठीक है, ऐसा रीजन जो काफ़ी बायोडाइवर्सिटी रिच रहे, ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ स्पेसिस वहाँ पर पाया जाए, ठीक है, तो उसको डिक्लेयर किया जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया में 4 हॉटस्पॉट हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए कौन है वो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर इन इंडिया, यानी इंडिया में कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं गिवन ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ईस्टर्न घाट, नेक्स्ट वेस्टर्न घाट, नेक्स्ट वेस्टर्न हिमालय, नेक्स्ट सुंदरवन डेल्टा एंड नेक्स्ट नन मोर देन वन। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं हमें पता है। ठीक है, उसमें से कौन कौन है, तो एक हमारा वेस्टर्न घाट, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। दूसरा कौन है, सुंडालैंड जो हमारा निकोबार आइलैंड्स में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है इंडो बर्मा जो पूर्वांचल हिल है वहाँ पर है और चौथा है हमारा ईस्टर्न हिमालय, नॉट वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है वेस्टर्न हिमालय, तो वेस्टर्न हिमालय नहीं होगा, ईस्टर्न हिमालय होगा। इस प्रकार हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है सही है जो है वेस्टर्न घाट। ठीक है, इस प्रकार फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, ये सीरीज लगातार चलता रहेगा टिल आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में ना हो जाए। ठीक है, तो बने रहिए सेशन के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी बेनिफिटेड हो सके। ठीक है, 5 मिनट का सीरीज है। ठीक है, कोई भी कभी भी किसी भी टाइम देख के अपने रिवीजन को बूस्टअप कर सकता है, अगर उन्हें नहीं आता है तो और अच्छी बात है, उनको मतलब ये जानकारी हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज का अड्डा मिल जाएगा, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, टेलीग्राम चैनल, फ्रॉम हेयर यू कैन गेट द रिक्वायर्ड PDF ऑफ द टेस्ट सीरीज विच इज गोइंग ऑन आवर यूट्यूब चैनल। ओके, नाउ दिस इज़ माई इन्वाइट लिंक, फ्रॉम हेयर यू कैन मतलब
ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, दिस इज द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल. इफ यू टाइप दिस इन योर सर्च बार देन यू विल गेट द चैनल एंड फ्रॉम हेयर यू विल गेट द कंटिन्यूस PDF ऑफ द कंसर्न वीडियो डेट कम इन द यूट्यूब चैनल. ओके, धन्यवाद. मंगलमय हो आपका दिन. ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए और कुछ दिक्कत हो तो आप हमसे बोल सकते हैं, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँगा आज के सेशन के लिए. ठीक है, बने रहिए चैनल के साथ. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.